खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां झारखंड के थाना नवाजयपुर अंतर्गत रूडीडीहा पलामू से बोलेरो वाहन चोरी हो गया था, जिसकी तलाश में झारखंड पुलिस रीवा में वाहन की तलाश कर रही थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा समस्त स्टाफ के सहायता से बोलेरो वाहन केंद्रीय विद्यालय मार्ग करहैया पुल के समीप लावारिस हालत में खड़ी मिली। नवाजयपुर थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि चोरी बोलेरो लोकेशन मध्य प्रदेश के यूपी बॉर्डर बता रहा था, जिस पर रीवा के सिविल लाइन थाना पुलिस का सहयोग लिया गया और वाहन बरामद कर लिया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने वाहन बरामद कर थाना नवाजयपुर झारखंड पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसे लेकर पुलिस झारखंड रवाना हो चुकी है। मामले में जांच को लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिससे एक बड़े गिरोह का खुलासा भी हो सकता है। हाँ, एक विशेष प्रकरण आया था। झारखंड पुलिस अभी एक हफ्ते पहले यहाँ आमद हुई थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल SP साहब और CSP साहब ने विशेष इंटरेस्ट लेते हुए इस टीम का साथ सहयोग करने के लिए मुझे निर्देशित किया था। लगातार प्रयास करने के बाद, कई लोगों संदेहियों से पूछताछ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि इसमें अपने रीवा क्षेत्र के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं, और उनको ट्रेस करते करते ये ज्ञात हुआ कि ये गाड़ी अब आज करहैया रोड पे कहीं एक बोलेरो लावारिस हालत में खड़ी है, उसका नंबर नहीं है। जब उसको जा करके हम लोगों ने देखा तो ये पता चला कि ये गाड़ी वही है जो झारखंड में पलामू ज़िले से चोरी हुई थी। उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और ये झारखंड पुलिस के सुपुर्द की गई है, वो लेकर के झारखंड जाएंगे। इस प्रकरण में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, किस तरह से ये रीवा पहुंची गाड़ी, इस संबंध में हमने आवश्यक सूचनाएं और जानकारी ले ली हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, निकट भविष्य में उनकी धरपकड़ करके और भी अन्य गाड़ियों का जो नेटवर्क है, ऐसे जालसाज चोरों की जो नेटवर्क है, उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। तो एक हमारे यहाँ नवाजयपुर थाना जिला पलामू झारखंड से एक बोलेरो DI चोरी हुई थी, जिसका कांड दर्ज किया गया था और अनुसंधान भार मुझे दिया गया था। तत्पश्चात अनुसंधान में तकनीकी सहयोग को लेते हुए मुझे सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में कुछ मोबाइल सेल एक्टिव हैं, जिसके आधार पर मैं तकनीकी सहयोग लेकर के थाना सिविल लाइन पर TI प्रभारी से संपर्क किया और कांड में सहयोग का अनुवेदन किया। तत्पश्चात TI के सहयोग से विगत एक सप्ताह के बाद हमें आज DI बोलेरो अज्ञात अवस्था में पाया। जी हाँ, मैं झारखंड सब इंस्पेक्टर 2018 बैच सब इंस्पेक्टर विजय कुमार।